बेम्बू से सीएनजी किसी ने बनाया है कि नहीं बनाया है, प्रैक्टिकली कहीं डेमोन्स्ट्रेशन हुआ है? हुआ है, कहाँ पे हुआ है? एक ट्रायल प्रोजेक्ट गडकरी जी कर रहे थे, तो वो अभी गढ़चिरौली में उनके बीआरटीसी में रखा है, एक टन पर डे प्रोसेस करने का। तो केवल बाम्बू की बात नहीं करते हैं, बायोमास है तो बाम्बू भी उसमें ट्रायल लिया है आपके, फिर दूसरे भी जो बायोमास है, गेहूं का भूसा है या जो भी कपास की कराठी है, उससे भी उन्होंने ट्रायल किया है। दूसरा है पूना में ग्रो गैस, पूना वाला मैं विजिट करके आया हूँ, वो एक टन पर डे का सीएनजी का बतलाते हैं कि हम इतना बना रहे हैं। तो हम जिस दिन गए थे तो हमने बोला हमें बाम्बू का ही देखना है, तो उन्होंने पहले के 24 घंटे का उनका कहना है कि हमारा जो डाइजेस्टर बैग है इसमें हम 24 घंटे में सीएनजी ले लेते हैं और बाकी बायो फर्टिलाइजर बाहर करते हैं। तो एक दिन पहले भी क्रशिंग करके उन्होंने बाम्बू ही डाला और हमारे सामने भी फिर उन्होंने डालकर दिखाया जी। ऐसे उनका ये कहना है कि किसी भी बायोमास से, जैसे नेपियर घास है और बाम्बू, ये है कि बाम्बू हाई डेंसिटी है, हाई डेंस है मतलब उसका पल्पिंग ठोस है, जैसे बालकुआ जो वेराइटी है, ठीक है समझ रहा हूं, तो उससे ज्यादा बनेगा ये ऐसे देखने में समझने में, लेकिन लार्ज स्केल पर सस्टेनेबल कहीं पर नहीं है। मेरे इसमें दो तीन कंसर्न थे, तो ये जो ग्रोमोर वाले या जो भी जिन्होंने रिसर्च किया है, क्योंकि मैंने मेरा लाइफ का काफी समय बिगाड़ा इसके पीछे, ठीक है, तो क्या करते हैं, या तो ये हो सकता है हम कुछ सीखेंगे जी, दूसरा ये हो सकता है उन्होंने जो किया उसमें कुछ वैल्यू एडिशन कर सकेंगे, दोनों पॉसिबिलिटी दोनों हो सकती है, ठीक है। गोबर या बायोमास में क्या है कि माइक्रोबियल एक्टिविटी आपको मिलेगी जी, जैविकता मिलेगी, हाँ, खाली बायोमास में आपको जैविकता नहीं मिलेगी, जैविकता नहीं मिलेगी। बेम्बू आपने खाली कर दिया तो वो डेड मास हो गया, इट इज नॉट लाइव बायोमास। जैसे गोबर है वो लाइव, जिसके अंदर जीवाणु है, तो जैविक खाद बन पाएगी। बेम्बू जो है उसके अंदर इट हैज बिकम अ डेड बायोमास नाउ, तो उसमें बैक्टीरियल काउंट मैच करना पड़ता है तभी वो होता है। तो अपने आप उसमें से ये नहीं होगा, तो आपको बाहर से जीवाणु वापस अंदर डालने पड़ेगा, हाँ, डालना पड़ता है, हाँ, तब तक जाके होगा, तब तक नहीं होगा। दूसरा, इसका बायोमास जो स्लज निकलेगा वो जैविक खादी में खेती में काम में आएगा कि नहीं, वो एक सेकंड टॉपिक है, आ रहा है वो, हाँ, ट्रायल मैंने उनके देखे हैं, हाँ, वो यूज कर रहे हैं, हाँ, उसके अलग अलग यूज कर रहे हैं, एक तो वो जैविक खेती के हिसाब से काम में ले रहे हैं, वो ट्रायल उन्होंने दिखाए थे जी खेत में हमने जाकर देखा है, दूसरा वो पेलेट्स बना रहे हैं बर्न करने के लिए, कंप्रेस करके, ठीक है, समझ रहा हूं, बड़ा भी प्लेट बना सकते हैं, छोटा जो बारीक प्लेट मतलब वो बना सकते हैं, सेल्यूलोज और लिग्निन जो रह गया, हाँ, उसको आपने उसके अंदर किलो कैलोरी है तो आपने उसको वापस ब्रिकेटिंग कर दिया, ब्रिकेटिंग कर दिया, उसका फिर आपने जलाने के लिए यूज कर दिया, बट ऑल सेड एंड डन बेम्बू टू सीएनजी जो आपने डिस्कशन कर रहे हैं, हाँ, उसका या तो इनसे सीख के मैं प्रैक्टिकल ट्रायल करके देखूं, यस, दैट इज वन पार्ट, यस, मेरा कुछ अनुभव है इसके साथ, हाँ, ठीक है, तो अपने प्रैक्टिकल करके कहीं देखे, हाँ, तो ये फिजिबल होता है कि नहीं होता है जी, ठीक है, और कन्वर्जन रेशियो क्या मिलता है, हाँ। दूसरा, इकोनॉमिक्स की बात ऐसी थी कि आपने 2.5 रुपया केजी का बायबैक या 2 रुपये केजी का बायबैक ऐसा कुछ, लगभग 3 रुपए बन रहा है किसान के खेत से, हम अभी चर्चा कर रहे हैं कि 2 रुपए केजी उठाएंगे, हाँ, और किसान खेत पे डालेगा तो 3 रुपए केजी रहेगा, ठीक है, अल्टीमेट वो ट्रांसपोर्ट और वो हम उठाएं या वो डालें, ठीक है, एंड पॉइंट 3 रुपए केजी है, उसको नेट मिलेगा 2 रुपया प्रति केजी, किसान को 2 मिले, ठीक है। अभी जो इंडियन स्टैंडर्ड्स जो एकदम रॉ है उसमें 1 एकड़ पे 1 टन हुआ है, और जिसने फार्मिंग किया है उसमें 40 टन तक गए हैं, 40 टन पर एकड़ पर ईयर फ्रॉम द फिफ्थ ईयर, 4 साल छोड़ दो, 5वें साल से आपको मिलेगा 40 टन पर एकड़ पर ईयर मिलेगा, ठीक है। तो 2 रुपए किलो पे अगर लकड़ी गिर, वी आर थिंकिंग लाउडली, yes, भाई ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, हाँ, समाज, हाँ, 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 तो 2 रुपए किलो पे अगर बायोमास है तो आदमी लकड़ी जब आज 6 रुपए 8 रुपए में बिक रही है आराम से बिक रही, तो 2 रुपए किलो में क्यों बेचेगा फार्मर, एक प्रश्न आएगा आगे जाके आराम से आएगा। तो जो प्रोजेक्ट हम बायो सीएनजी या बेम्बू के ऊपर ही डिजाइन करेंगे उसमें उनको तकलीफ आएगी, बिल्कुल, क्योंकि फिर अगर गोबर की अवेलेबिलिटी नहीं है या कच्चे माल की अवेलेबिलिटी नहीं है तो उनका प्लांट स्थगित हो जाएगा। हाँ, इसके 2-3 कारण हैं जो हम 2 रुपए पे रुके हैं जी। एक्चुअली फार्मर चाहता है कि उसे कुछ आंकड़ा मिले तो हम लगाएं, और हमने अभी तक फाइनली
ऐसा सर्वाइव होते हुए देखा नहीं है जी। तो हम बॉटम आंकड़ा लेकर चल रहे हैं, ये दोनों का मतलब एक जस्ट थोड़ा सा टचअप करने की बात है केवल, इसलिए ये हो रहा है। तीसरा, मंडला में 100 एकड़ का बालकुआ लगा हुआ है, इंडिया में मैंने एक ही प्लांट वो देखा 100 एकड़ का, मतलब मैं उधर तो नहीं गया पूर्व भारत में, अपने क्षेत्र में इस आपका वीडियो देखा था 100 एकड़ उनको मैंने कट करके भी देखा, 6 साल का वो बांस है। तो मेरे पास जो डाटा कलेक्शन हुआ है, मैंने जो फिजिकल फेस किया है, किताबों में तो 200 टन बताते हैं 1 एकड़ से, वो बाउंसर जाने वाली बात है, लेकिन मैंने जो देखा है कि सही से पानी प्रबंधन और सब हुआ तो तीसरे साल से 35 टन पर एकड़, चौथे साल से 40-45 टन, पांचवे छठे साल का जो मैंने काट कर तोल के देखा बालकुआ वेराइटी का मंडला वाला, तो वो 50-60 टन पर एकड़। और ऐसा सुना और समझा और कुछ सीखा है कि ये 10 साल तक अपना वेटेज बढ़ाएगा, नीचे से राइजोम बढ़ेगा, तो उस हिसाब से उसके बाद एक सस्टेनेबल 1 एकड़ से टनेज आएगा, फिर उससे ज्यादा नहीं आएगा। तो मुझे जहां तक लगता है 1 एकड़ से 50-100 टन के बीच में 50 एवरेज कंफर्टेबली, हाँ 50 ही तो बोलना ठीक है, तो 50 × 2 रुपए गिनेंगे तो फार्मर को 1 लाख रुपए प्रति एकड़ मिलेगा, ठीक है। और 1 लाख रुपए प्रति एकड़ जहां, एक तो ये विकल्प हो जाएगा फार्मर को और कुछ नहीं करना है, जो पैसे वाले लैंडलॉर्ड लोग हैं ये लगा दिया फिर लगा दिया और एफडी कर दिए, उनके लिए सेठ लोगों के लिए अच्छा भैया सेठ है क्या लगा दिया और भूल गए, हमको कुछ नहीं करना है और लगा दिया, फिर 6 साल के बाद जाएंगे देखने के लिए फार्म हाउस में कितना पैसा गिनती में आया जी सही है, या तो इंटरक्रॉपिंग के अंदर पैसे कमाइए, ठीक है। अब इंटरक्रॉपिंग में ऐसा बेम्बू की ऑप्शन बहुत है प्रोडक्टिविटी के, भाई ये करो ये करो ये करो, नंबर मल्टीपल थिंग अभी मिल रही है समाज में करने के लिए, बट 1 लाख रुपए प्रति एकड़ इनकम गिनेंगे तो इनकम एज फार्मर कम है, वो फार्मिंग के इनकम से ये इनकम कम है एक। दूसरा, जितना अभी जिन जिन लोगों से डिस्कशन हुआ जी, तो 3 साल तक अंदर फार्मिंग करना ठीक है, चौथे साल फिर फार्मिंग करना मुश्किल काम है, ज्यादा ध्यान दिया तो तीसरे साल भी नहीं होगी, दो साल ही होगी। तो 2 साल से लेकर 6 साल वाला जो गैप है, और अच्छी हार्वेस्टिंग 6th ईयर मिलेगी, 50 टन के जो एस्टिमेट हम गिन रहे हैं तो 5 साल पूरे हो जाने दीजिए, और 6th साल से आपको 6th ईयर से आपको 50 टन का आप एस्टिमेट गिन सकते हो जिसके अंदर आपने किया है, ठीक है जी। उसके अंदर खाली मेरे तरफ से वैल्यू एडिशन रहेगा कि अगर हर जगह पे अपने ये बायोगैस प्लांट डाला है तो 25% आपका, यानी 5 साल के बदले 4 साल में आपका हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी 25%, तो छाती ठोकी नहीं, 25% प्रोडक्टिविटी कंफर्टेबली अपनी बढ़ जाएगी। दूसरा, एक था कि हल्दी और आलू जो है वो कंटिन्यूस चल नहीं पाएंगे, नहीं आपको प्लांट की गैप बढ़ाना पड़ेगी, जैसे मैं बतलाता हूँ 20 फीट बाय 20 फीट चल पाएगी, तो उसमें चल पाएगी 20 में चल पाएगी, थोड़ा तो लाइट जाना चाहिए, तो 20 वाला करेंगे तो फिर आपका जो प्रोडक्शन गिन रहे हो कम हो जाएगा, तो वो उधर मैच नहीं होगा, दोनों सरीखे आके खड़े हो जाएंगे। ओनली थिंग इज वातावरण आपको हल्दी के लिए अच्छा बन जाएगा, यस ह्यूमस और ये अपनी ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर और सब उसके लिए अनुकूल हो जाएगा, उसके लिए अनुकूल एक संभावना रहेगी, तो उसके अंदर कंटिन्यूस 5 साल ले पाएंगे या मुश्किल है, उसके अंदर भी 3 साल के बाद हल्दी में भी मुश्किल रहेगा, मुश्किल आएगा ठीक है ओके। एक्चुअली मेरी अगर पर्सनल बात करूं या भैया का और हमारा कनेक्टिंग इस टॉपिक पर बांबू पे, तो मेरा मेन कनेक्टिंग, मैंने जो एम सोचा है वो खाली जमीनों को भरने का सोचा है, ठीक बात है, पहाड़ों को हिल फॉरेस्ट्री एग्रो फॉरेस्ट्री, यस आई, तो उसमें पहला शब्द निकल के आया बांबू, जो शुरुआत में जल्दी सेट होगा और हम कुछ कर पाएंगे और फिर पब्लिक देखकर साथ में चलने को तैयार होगी, एक ये मेन कारण है। और दूसरा, एक आपने सही बात कही कि 1 लाख रुपए एकड़ आना बहुत कम है पैसा, ये आप आपके एंगल से बात कर रहे हो, लेकिन अभी बहुत सी जगह फार्मर ऐसे हैं जहां 10,000 रुपए नहीं आ रहा है, और कई जगह ऐसी है जहां फार्मिंग ही नहीं हो रही है। मैं राजस्थान में घूमा हूं, अभी भुज कच्छ में घूम के ही आया हूं, 2 महीने से ये साइडों का ट्रेवलिंग था, तो जहां केवल
राजस्थान तो रेगिस्तान हो गया है, मैं दो तीन रजवाड़ा से भी मिला था अभी, मैं जस्ट गया तो उनका जो हालत है, जो उन्होंने पुराना इतिहास बताया कि यहाँ पहले इतनी ग्रीनरी थी कि ये राजस्थान का कश्मीर कहा जाता था, और उन्होंने कुछ पॉइंट भी बताया मुझे कि इसकी वजह से, हमने विजिट करके भी देखा और आज वो रेगिस्तान है। तो शुरुआत में स्टार्ट करने के लिए मुझे लगा कि बाम्बू बेस्ट है, यहां से एंट्री की जा सकती है। तो अब इसके लिए फार्मर को चाहिए बायबैक गारंटी, वरना वो स्टार्ट नहीं होता है। जो रजवाड़ा से मैं मिल के आया हूँ उनको बायबैक गारंटी चाहिए तो स्टार्ट होंगे वो, सीधी बात। तो इसलिए कहीं से शुरुआत हो, ठीक बात। तो जो मुझे फर्स्ट हैंड मिल गए जी, तो वहां से शुरुआत हो गई। तो इस तरीके से हम एंट्री चालू कर, राजस्थान में खारे पानी को ठीक करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल जरूरत पड़ेगी। राजस्थान में काफी जगह पे पानी 2000-2500, राजस्थान में भी, गुजरात में भी जरूरत पड़ेगी। 50% से ज्यादा जगह ऐसी है जो गुजरात की जमीन यूजेबल नहीं है। अभी मेरे पास 1,00,000 एकड़ जमीन है, ओके, अभी इसमें पैसा मैं नहीं लगाऊं, कैसे करोगे? सब हम लगा देंगे, साथ में आएंगे जीवी में, जॉइंट वेंचर में साथ। जीवी में इतना पढ़ा लिखा हूं मैं, जीवी में समझ थोड़ी आती है। ए नारायण, मेरी गलती हो गई, I'm sorry sir। तीन सिंगल प्लॉट 1,00,000 एकड़ है, ओके, सिंगल प्लॉट, ठीक है, ठीक है। साथ में चल सकते हैं, हाँ। मतलब जमीन आपकी और साथ में जो सही रास्ता बन सकता है, तो जॉइंट वेंचर में हम फिर जो भी अच्छी पॉसिबिलिटी होगी उस पर आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मेरा थॉट प्रोसेस रहा था, भाई आपका 120 रुपया प्लस प्लस जो 3 साल के लिए सरकार दे रही है, ठीक है, ये इन्वेस्टमेंट जो साइड वाले है, हाँ। वो आप लोग करें। अच्छा। जमीन मेरा, कार्बन क्रेडिट लाने की जिम्मेवारी मेरी, उतना पैसा मिलेगा कि कार्बन क्रेडिट से सबका कल्याण हो जाएगा। वो तो हमें पहले ही समझना था, आखिरी में समझेंगे। कार्बन क्रेडिट में पहले 100 करोड़ लाया हूँ, अच्छा, ठीक है, उस समय इंडस्ट्री में लाया था, फिर बीमार पड़ा, वो दुकानें सब बंद हो गई, हाँ। अभी एग्रीकल्चर और गाय के थ्रू कार्बन क्रेडिट कैसे लानी, ओके, एक प्रपोजल बनाई है जर्मनी के लिए, 25,000 करोड़ का